मधुकिशन जी को आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर मधुकिशन जी। और ये सेमिनार है हमारे अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA के साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी USA के द्वारा ये जो है सेमिनार यहाँ पे जो आयोजन हुआ है। और हमारे यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर जो है प्रोफेसर डॉक्टर कुलभूषण जी जो है हमारे यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर, और उनके देखरेख में उनके टीम के साथ जो है अभिजीत यंग लीडर जो अभिजीत जी है उनके टीम के मेंबर है, साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल मिस्टर रमेश लाल जी खजूरिया लाल जी है जो टीम के मेंबरान है। इन लोगों का ही सहयोग बहुत ही आपस में तालमेल के साथ, इनका ही टीम मेंबर का सहयोग के साथ, मेरी सिस्टर मैडम विजय गुप्ता जी, इन सब ने मिलकर ये आयोजन किया। मैं तो अमेरिका से आया हूँ लेकिन यहाँ में जो भी आयोजन हुआ, जो भी सब कुछ हो रहा है, इनके वजह से ही ये हो रहा है। तो हमारा मकसद फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विश्व शांति के लिए पिछले 40 सालों से हम देश देश में काम कर रहे हैं। 2016 में बराक ओबामा ने, जो US के प्रेसिडेंट है, उसने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। मैं पहला इंडिया और मोदी जी के बहुत ही करीब है। तो हम लोग ने एक बातों में ऐसा मन में प्रण किया कि आज जम्मू कश्मीर, क्योंकि पूरे भारत का जम्मू कश्मीर एक ताज है और उसकी स्ट्रक्चर भी देखे जैसे एक ताज, जैसे राजा की जो ताज होता है वो ताज है। तो जम्मू कश्मीर को एक एपिसेंटर बनाते हुए यहाँ से मैं ये घोषणा को दोबारा करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे मार्गदर्शन करने वाले बहुत ही प्रिय नेता, पूरे वर्ल्ड वाइड नेता है, उसके बाद में मोदी जी का नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। तो एक घोषणा हम ये भी कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल नोबल पीस पुरस्कार सबसे पहला हम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मानित अति शीघ्र करेंगे। उसके लिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर कुलभूषण जी,